हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड सिक्स्थ चैप्टर ऑफ फोर्थ क्लास, अ ब्यूटीफुल एलिफेंट एज अ गिफ्ट। गिफ्ट के रूप में एक ब्यूटीफुल एलिफेंट। फर्स्टली आई वांट टू टेल यू, ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बारे में जो नेहरू जी थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। My dear children, I like being with the children and talking to them and even more playing with them. कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है, उनके साथ टॉकिंग करना, बातें करना, even more जबकि उनके साथ खेलना मुझे और भी पसंद है। For a moment, एक समय के लिए I forget that I am terribly old. एक टाइम के लिए मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं ओल्ड हूँ, बूढ़ा हूँ या बड़ा हूँ। इट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो सिंस वॉज अ चाइल्ड, ये बहुत ही पहला वाला टाइम जब मैं एक बच्चा था। इफ़ यू वर विद मी, अगर तुम मेरे साथ होते, आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अगर तब तुम होते तो मैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में आपसे बात करता। अबाउट फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड स्टार्स एंड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स एंड ऑल दिस वर्ल्ड, मतलब हमारे जो वर्ल्ड की जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स है उसके बारे में बात करता। आई होप यू विल बी मोर सेंसिबल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत समझदार हो। ओपन योर आइज एंड ईयर्स टू दिस ब्यूटी, अपनी आँखें और जो कान है इस ब्यूटी के लिए खोल लो। एंड लाइफ दैट सराउंड यू, और लाइफ जो चारों ओर आपको घेरे हुए है। कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्लावर्स बाय देयर नेम्स, रिकॉग्नाइज होता है पहचान करना, आइडेंटिटी करना। क्या तुम फ्लावर्स को उनके नेम से रिकॉग्नाइज पहचान सकते हो? एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, और बर्ड्स को उनकी सिंगिंग से पहचान कर सकते हो। How easy it is to make friends with them, और कितना easy है उनके friends बनना। And with everything in nature, if you go to them affectionately and with friendship, तो ये बहुत ही मतलब easy है nature में, अगर तुम कुछ भी चीज़ affectionately मतलब बहुत ही स्नेह से प्यार से करते हो, मतलब प्यार से अगर आप किसी nature से attached हो तो ये बहुत ही easy है किसी चीज़ को feel करना। Our country is a little world in itself with an infinite variety of places for us to discover. जो हमारी कंट्री है वो एक छोटा सा वर्ल्ड है अपने आप में, ठीक है, जिसमें वेराइटीज बहुत सारे प्लेसेस हैं, वेराइटी हैं, बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं फॉर अस टू डिस्कवर, जो हमें डिस्कवर करनी है, खोज करनी है। आई विश आई हैड मोर टाइम सो दैट आई कुड विजिट ऑल द नुक्स एंड कॉर्नर्स, मेरी इच्छा थी कि अगर मेरे पास और भी टाइम होता तो मैं सारे जो नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं, मतलब एक एक कोना जो क्या है विजिट करता, वहाँ पे जाता, इन इंडिया के हर कोने में जाता। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी, तो मैं अगर वहाँ पे जाता तो मैं बच्चों के साथ जाता, बच्चों की कंपनी पसंद करता जिनके माइंड अभी ओपन हुए हैं और बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को जानने की इच्छा होती है जब क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसे। आई शुड लाइक टू गो विद देम, तो मुझे बच्चों के साथ जाना चाहिए। नॉट अ मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया एज टू द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स एंड द ओल्ड मोन्यूमेंट्स, ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग अबाउट इंडिया स्टोरी, कि बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं बट कुछ ग्रेट सिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ फॉरेस्ट हैं और कुछ रिवर्स हैं और कुछ मोन्यूमेंट्स होते हैं, जो इमारतें, पुरानी इमारतें, तो उनके बारे वहाँ भी विजिट करना चाहता हूँ मैं, जो हमें कोई ना कोई स्टोरी बताती हैं। आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका,
रिसेंटली मैंने कहाँ विजिट किया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, टू कैनेडा एंड टू इंग्लैंड. आई फाउंड द चिल्ड्रन दे आर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हेयर, कि मैंने वहाँ बच्चों को